हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इट इज गिवन दैट, देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री है एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। एक्स वाई क्या प्रोड्यूस करता है? पॉइंट पी। Draw a figure from the given information, हमें इसका फिगर ड्रॉ करना है। तो थोड़ा देखते हैं, देखिए क्या दिया है। इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड ये 64 डिग्री है और एक्स वाई क्या प्रोड्यूस करता है? पॉइंट पी। देखो एक्स वाई ये मान लिया हमने एक्स है और ये वाई है, ये क्या इसको बढ़ाने पे क्या पॉइंट प्रोड्यूस करता है? पी पॉइंट प्रोड्यूस करता है। और एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है वो 64 है, तो एक्स वाई और जेड, जेड कहीं भी ले लें आप, ये मान लो ये जो एंगल है एक्स वाई जेड ये कितना है? 64 डिग्री। एक्स वाई और इसका नाम है जेड, ये है 64 डिग्री। आगे बोला है ड्रॉ द फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इट इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट करती है, यदि रे वाई क्यू बाइसेक्ट करती है किसको? एंगल जेड वाई पी को, जेड वाई पी को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर भागों में बांटती है, इट मीन्स जितना ये भाग होगा उतना ही ये भाग होगा, जितना ये एंगल उतना ही ये एंगल। ओके, तो हम मान ही लेते हैं इसको कि ये मान लिया कि ये एंगल ए है और ये भी एंगल क्या है? एंगल ए है। ओके, अब देखें आगे बोला है कि फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू अपने को बताना है। एक्स वाई क्यू कहाँ है? देखिए इसका नाम हम लिख दें पहले, रे वाई क्यू थी, ये क्या थी? वाई क्यू थी, जो इसको दो बराबर भागों में बांटती है। अब आगे बोला है फाइंड एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू कहाँ है? एक्स वाई क्यू ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो एक्स वाई क्यू क्या होगा? 64 डिग्री प्लस एंगल ए, क्या होगा? एक्स वाई क्यू 64 डिग्री प्लस एंगल ए, ये एक्स वाई क्यू आ जाएगा। तो एक्स वाई क्यू पहले तब आएगा जब पहले हम एंगल ए को फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे देखें एक्स वाई पी जो है वो क्या है? एक लाइन है। सॉल्यूशन देखते हैं हम, एक्स वाई पी क्या है? एक लाइन है। लाइन है तो ये जो तीनों एंगल है, ये वाला और ये वाला, तीनों क्या होंगे? 180 डिग्री लीनियर पेयर है। तो देयरफॉर हम लिखेंगे एंगल 64 डिग्री प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री में से 64 को उधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 64, तो यहाँ कितना बच गया? यहाँ 6 और यहाँ 1 और 1, 116 बच गया। तो एंगल ए क्या आ गया? 116 डिवाइड बाई 2, 2 से ये कितने पे गया? 25 जा 10, 1 बचा और 2 से ये 8 पे, ठीक है, 28 जा 16। अब देखें यहां पे एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 58 डिग्री। 58 डिग्री हमें चाहिए था एंगल जेड वाई पी, सॉरी एंगल एक्स वाई क्यू चाहिए, एक्स वाई क्यू चाहिए, क्या चाहिए? एंगल एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू एंगल कब आ जाएगा? जब मैं 64 को और इसको ऐड कर दें हम, 64 प्लस 58, तो ये कितना बन गया? 2 और ये 12, 122। एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई 122 डिग्री, एक्स वाई क्यू की वैल्यू आ गई। अब देखें रिफ्लेक्स, एक्स वाई क्यू की वैल्यू हमने निकाल दी, अब देखें रिफ्लेक्स क्यू वाई पी निकालना है। क्यू वाई पी कहाँ है? क्यू वाई पी, पी कहाँ है? ये तो देखो अपने पास अगर हम बात करें क्यू वाई पी की, क्यू वाई पी की, तो ये किसके इक्वल था? एंगल ए के इक्वल। तो एंगल ए कितना आया था अपना? 58 डिग्री, 58 आ गया। अब अपने को निकालना है रिफ्लेक्स, तो रिफ्लेक्स मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियोस में कि रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी क्या कैसे निकलेगा। अब क्यू वाई पी को छोड़ के जितना पूरा एंगल बच गया है यहाँ से लेके और यहाँ तक का, वो क्या है? रिफ्लेक्स एंगल है एंगल क्यू वाई पी का। तो पूरा सर्कल कितना? 360 डिग्री का। उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे? क्यू वाई पी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये कितना आया अपना? 58। तो ये कितना एंगल आ गया? 302
डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल QYP की वैल्यू आ गई 302 डिग्री। ओके स्टूडेंट।